हेलो स्टूडेंट्स इन टू लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न फोर्स स्टैंडर्ड ई वी एयर लेसन नंबर टेन दैट इज क्लोज स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था आपको याद होगा कपड़े के बारे में हमने देखा था अलग अलग तरीके से हमें कपड़े मिलते हैं लाइक like कॉटन से मिलता है उसे फिर बुना जाता है अलग अलग मशीन से और हमने फिर देखा कि किस तरीके से उस कपड़े को धोया जाता है लाइक वॉशिंग सोडा से और सोप uh, से उन सब चीज़ों से धोया जाता है आज हम देखेंगे यहाँ से अच्छा वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा प्रीवियस लेक्चर तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा तो पहले आप पहले वाला वीडियो देख लेना उसके बाद आप ये देखना इस वीडियो के नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वाला लिंक मिल जाएगा और स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं नेचुरल सब्सटेंसेज से हम कैसे अपने कपड़े को धो देते हैं धो सकते हैं ठीक है बिल्कुल सोडा की तरह बिल्कुल डिटर्जेंट पाउडर होता है जो सोप होता है उसी की तरह ये भी कपड़े को साफ़ करता है लाइक रीठा सोप नट्स और क्या क्या वॉशिंग सोडा हिंगन बेट लाइम ये सब क्या है पता है ये सब भी एक नेचुरल सब्सटेंसेज हैं जिससे कि हम कपड़े धो सकते हैं आप सर्च करके आप इन सब का देख सकते हैं इमेजेस देख सकते हैं किस तरीके से ये सब होता है और इसके बारे में आप समझ सकते हैं जान सकते हैं रीठा के बारे में आपको पता होगा बहुत सारे शैम्पू में बहुत सारे सोप में लिखा होता है कि इसमें रीठा मिलाया गया है शिकाकाई मिला गया है आंवला मिलाया गया है मिला गया। तो रीठा कहाँ से मिलता है हमें रीठा मिलता है ट्री से लाइक आंवला जैसे कैसे पेड़ से मिलता है वैसे ये भी रहता है ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं ऐसे ठीक है राउंड राउंड होते हैं तो वो क्या करिए आप बाय करिए मत खरीदिए रीठा सोप नट्स को उसको बोलते हैं रीठा को इंग्लिश में बोलेंगे सोप नट्स क्योंकि वो साबुन का काम करता है इसलिए सोक देम इन वाम वाटर गर्म पानी में उसे भिगो दें स्टील द वॉटर वॉट हेपन उसे हिलाइए अब देखिए कि क्या होता है ठीक है नाव सोक डर्टी क्लोथ इन दिस वाटर उसके बाद उसमें क्या करना है आपको कि जो डर्टी क्लोथ्स हैं आपके कपड़े हैं उसमें उसे डाल दीजिए वॉश दिस क्लोथ्स आफ्टर हाफ एन आवर उसके बाद कपड़े को धो दीजिए आधे घंटे बाद अच्छे से हैव द क्लोथ बिकम क्लीन क्या आपके कपड़े क्लीन होते हैं बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं इसी तरीके से एड वॉशिंग सोडा टू वाटर एंड स्ट्रीट वाटर जिस तरीके से आपको यहाँ पे रीठा को आप मिलाएंगे, रीठा को हिलाएंगे, तो कैसे पानी ब्लैक ब्लैक रहता है और थोड़ा सा झाग भी निकलता है उसी तरीके से वॉशिंग सोडा भी अगर एस, मिक्स करते हैं पानी में हिलाते हैं तो सिर्फ झाग आता है ठीक है तो इसमें कपड़े आप धोते हैं तो बिल्कुल ही क्या होता है वो पूरा अच्छी तरह से निखर जाता है एकदम साफ़ हो जाता है क्लीन हो जाता है सोप नट्स वॉशिंग सोडा हिंगन बेट हिंगन बेट क्या है ये भी ट्री से मिलता है ठीक है लाइम स्टोन एक स्टोन की तरह होता है पत्थर की तरह मिट्टी होता है और उससे पहले के लोग जो वॉश मतलब कि जो वाशर बनाते थे जो धोबी होते हैं धोबी घाट पे वो लोग ये सब यूज़ करते थे पहले ठीक है तो वो लोग उससे कपड़े धोते थे आर यूज़ टू वॉश क्लोथ दे आर ऑल नेचुरल सब्सटेंसेस सो स्टूडेंट्स नाउ मोविंग फॉरवर्ड कैन यू टेल डू डू यू स्टील यूज़ द clothes यू wore इन द फर्स्ट standard? तो so, क्या वो कपड़े आप अभी भी पहनते हो स्टिल यूज़ आज भी यूज़ करते हो जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहनते थे तो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहनते थे अभी आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हो तो so, कितना छोटा हो गया होगा वो आपको तो so, नहीं यूज़ कर सकते उसे ओके इफ़ यू डू नॉट वॉट क्लोथ्स डू यू डू यू यूज़ नाव अगर आप नहीं यूज़ करते तो अब आप क्या कौन क्या, क्या कपड़े यूज़ करते हो ठीक है उससे बड़े में जो आपको होगा आपके बॉडी को फिट आएगा वैसा वो यूज़ करेंगे Why do you not use your old clothes? क्योंकि आपकी बॉडी भी फ़िट नहीं आएगा वाई कैन यू नॉट वेयर अ ड्रेस नाव सो आप कपड़े क्यों नहीं पहन सकते पहले वाले ठीक है विच वॉज़ योर फेवरेट वे न्यू वेयर एगर जो आप छोटे थे जो आपका फेवरेट ड्रेस था वो आप आज क्यों नहीं पहन सकते तो वही रीज़न है कि वो आपको नहीं होगा आपकी बॉडी में फिट नहीं आएगा व्हाट हैपन्स टू क्लोथ्स दैट वी डू नॉट यूज़ एनी मोर ओके तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि क्या होता है हमारे कपड़े जब हम उसे यूज़ नहीं करते ठीक है तो टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड आज दे वाट हेपन्स टू ओल्ड क्लोथ्स उनसे पूछिए कि जो पुराने आपके कपड़े थे वो क्या हुए और पुराने कपड़े का क्या हो जाता है कहाँ चला जाता है वो सारी चीज़ें ठीक है तो हम देखते हैं उन लोग पुराने कपड़े का क्या करते हैं क्या यूज़ करते हैं तो कुछ तो इसमें यूज़ करते हैं कुछ लोग पुराने अ, अपने जो उनसे छोटे रहते हैं उनको दे देते हैं पहनने के लिए या फिर कुछ लोग उसका तो यूज़ कर डालते हैं घर में ठीक है जैसे अ, कुछ मैट बना देते हैं या फिर अ, जो होता है Uh, जिसे पोछा जिसे लगाते हैं क्लीन करने के लिए घर वो लगा बना देते हैं इस तरीके से यूज़ कर डालते हैं ठीक है डू यू नो दैट ओल्ड क्लोथ्स कैन भी एक्सचेंज फॉर न्यूटेंसिल आपको पता है कि जो पुराने कपड़े हैं वो एक्सचेंज करते हैं न्यूटेंसिल्स नए बर्तन को मतलब कि आप पुराने कपड़े दो और बर्तन नए बर्तन लो ये होता है ठीक है टॉक टू पीपल हुज़ ऑक्यूपेशन इट इज़ टू ट्रेड ओल्ड क्लोथ्स इन एक्सचेंज फॉर न्यू टेंसिल उन लोगों से पूछो जिनका ये ऑक्यूपेशन है कि जो लोग पुराने कपड़े लेते हैं और उसके एक्सचेंज में उसके बदले में क्या देते हैं न्यू टेंसिल लाइक इन लोगों से पूछो जो होती हैं आंटी और जो लोग आते हैं इस तरीके से बोलते हैं पुराने कपड़े दो नए भांडी लो इस तरीके से बोलते हैं ना तो उन लोगों से पूछो कि क्या करते हैं ये कपड़े यूज़ द पॉइंट्स गीवन बी लो फॉर द डिस्कशन आप ये सारी बातें उनसे डिस्कस कर सकते हो वॉट डू दे डू विध द ओल्ड क्लोथ्स कि आप पूछ सकते हो उनसे कि आप ये पुराने कपड़े का क्या करते हो आर द गुड क्लोथ्स एंड टोन क्लोथ्स सेपरेटेड क्या पुराने कपड़े जो अच्छे कपड़े हैं और जो फटे कपड़े हैं टोन क्लोथ मीन फटे कपड़े उनको आप सेपरेट करते हो अलग अलग करते हो वट डू दे वॉट डू दे ड विद कलोथ दैट आर स्टिल वुड आप उन कपड़ों का क्या करते हो ये लोग उन कपड़ों का क्या करते हैं जो अभी भी अच्छे हैं ठीक है अभी भी अच्छे हैं दिख अच्छे में दिख रहे हैं बस छोटा हो गया बच्चा नहीं पहन रहा है तो दे दिया बट है तो अच्छा ही नया है हु टेक्स देम कौन लेता है इसे इन कपड़ों को वॉट डू दे डू विद डोन क्लोथ्स वो पुराने कपड़ों का क्या करते हैं जो फटे कपड़े हैं उनका क्या करते हैं डू दे कीप सम ऑफ द क्लोथ्स फ़ॉर देम सेव्स क्या वो कुछ कपड़े अपने लिए भी रख लेते हैं जो लोग लेते हैं हाउ कैन दे अफोर्ड टू टेक ओल्ड क्लोथ इन एक्सचेंज फॉर न्यूटेंसिल वो ये अफोर्ड कैसे करते हैं जो पुराने कपड़े लेते हैं उसके बदले में जो नए बर्तन देते हैं तो उसे अफोर्ड कैसे करते हैं नए बर्तन खरीदते कैसे हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर सकते हो मेक अ नोट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव ऑप्टेन अब क्या करना है आपको कि आप उसे उसका जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली उससे आपको वो इन्फॉर्मेशन को लिखना है चेक वेदर यू मैच द इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज क्लोथ्स आर ड्यूरेबल कपड़े प, हमें पता है कि टिकाऊ होते हैं देयर फॉर इवन इफ दे बिकम ओल्ड दे कैन स्टील बी यूज अगर वो बहुत पुराने भी हो जाते हैं फिर भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं इतने जल्दी वो खराब नहीं होते ठीक है इफ़ क्लोथ इफ़ इफ़ ओल्ड क्लोथ्स आर स्टिल इन अ गुड कंडीशन दे कैन बी गिवन टू दोज़ हु नीड देम अगर पुराने कपड़े अच्छी कंडीशन में अभी भी अच्छे ही हैं जैसे आपके अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड के सेकेंड हैंड के कपड़े अच्छे से रखा गया है अच्छे कंडीशन में है तो वो हम किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं जिनको उसकी ज़रूरत है टोन क्लोथ्स कैन बी मेड इन टू यूजफुल आर्टिकल जो फटे कपड़े रहते हैं उसका क्या क्या बनाया जा सकता है लाइट क्विल्स रजाइयाँ बना सकते हैं सोफे में डाल सकते हैं ठीक है और क्या कर सकते हैं डिश क्लोथ जो कपड़े पोछते हैं कपड़े धोते हैं सॉरी जो बर्तन धो डिश क्लोथ मतलब कि जो बर्तन के लिए यूज़ करते हैं पोछने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं डोर मैट्स जो होता है जिसपे पैर पोछने वाला होता है मैट्स उसका वो बना सकते हैं ये सब बना सकते हैं ओके इन सब का यूज़ होता है ओल्ड क्लोथ्स कैन बी यूज़ टू मेक न्यू क्लोथ मतलब कि जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हें नए कपड़े बनाने भी यूज़ किया जाता है और क्या करते हैं इसका जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हें नए कपड़े में यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करते हैं तो थ्रेड वेयर क्लोथ्स जो पुराने कपड़े होते हैं कैन बी पल्ब पल्व मतलब कि एक प्रोसेस होता है पर मतलब उसे पूरा क्रश करके कपड़े को पूरा छोटे छोटे पीस में करके कट करके उसे क्या करते हैं क्रश करते हैं इनको सॉफ्ट उसे सॉफ्ट पल्प बना देते हैं ठीक है जैसे पेपर कैसे बनता है पल्प बना के उस तरीके से बनता है पल्प बना के ठीक है एक केमिकल प्रोसेस होता है उसमें कई सारे केमिकल डाल दे डाला जाता है उसके बाद वो पूरा एकदम महीन एक कह सकते हैं एक पल्प बन जाता है एकदम से और उसका फिर क्या यूज़ करते हैं वो पेपर बनाने में यूज़ करते हैं दिस पल्प इज़ यूज़ टू मेक पेपर क्लोथ पेपर प्लेट्स पेपर प्लेट्स बनता है ठीक है इसका जिसपे आप जाते हो बर्थडे वगैरह में तो किस तरीके से मिलता है वो फ्लावर एट्सेट्रा मतलब फ्लावर जो आप कपड़े का फ्लावर देखते होंगे अलग अलग कपड़े का फ्लावर अलग तरीके से वो बनता है इट कैन बी यूज़ टू मेक मॉडल्स इसे मॉडल्स बनाने के लिए जो गुड़िया वगैरह होती हैं उनके उनके लिए कपड़े बनाए जाते हैं जो हम देखते हैं ना अलग अलग के टॉयज़ मिलते हैं उनके लिए भी ये बनाया जाता है उनके लिए कपड़े यूज़ कर दिया जाता है तो फिर उनको ब, वो बेच देंगे बाद में अच्छे मुनाफे आ जाएंगे ओके नाउ ट्राई दिस स्टडी द पिक्चर्स आप यहाँ पे पिक्चर देखिए उसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए डिफरेंसेस इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अलग अलग लोगों ने कपड़े पहने अलग अलग तरीके के ये सब महाराष्ट्र के ही दिखेंगे आपको यू विल सी पीपल वेयरिंग दिस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन योर ओन लोकेलेटी और वेन यू गो आउट ऑफ टाउन तो अगर आप बाहर जाते हो घर से अब टाउन से बाहर जाते होोगे जैसे गाँव साइड में आप जाओगे महाराष्ट्र साइड में तो आपको इस तरीके से मिलेंगे ओके okay. और और उससे भी जैसे कुछ आप जंगल साइड के एरिए में जाओगे जहाँ पे इस तरीके के लोग रहते हो तो वो लोग इस तरीके कपड़े पहनते हैं ठीक है जहाँ पर एकदम गाँव है जहाँ पे कह सकते हैं कि जो आदिवासी लोग रहते हैं उन लोगों का ये ड्रेस है तो इस तरीके से तो क्या होता है कि आप जब घर से बाहर जाओगे तो ये अलग अलग तरीकों के लोगों को देखोगे अलग अलग कपड़े लोग पहने रहते हैं आपके लोकेलिटी में मीट दीज पीपल इन लोगों से मिलो ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर क्लोथ्स एंड राइट इन योर नोटबुक इनके बारे में इनसे इनके कपड़े के बारे में पूछो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लो अपने नोटबुक में लिखो डू दे वेयर सच क्लोथ्स ऑल ईयर राउंड क्या ऐसे ही कपड़े जैसे यहाँ पे इन लोगों ने पहने हुए हैं ऐसे ही कपड़े है क्या आप पूरे साल पहनते हैं आर एनी चेंजेज मे डिपेंडिंग ऑन द वेदर या फिर वेदर पे डिपेंड करता है कि जिस तरीके से वेदर चेंज होता है उस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं तो जब वेदर चेंज होता है तो जैसे भी ठंडी आया तो वो क्या पहनेंगे वुल वाले कपड़े पहनेंगे वॉलन कपड़े पहनेंगे मतलब कि ऊनी कपड़े पहनेंगे मोटे कपड़े पहनेंगे ऐसे ही हमेशा थोड़ी पहनेंगे गर्मी रहेगा तो कॉटन का पहनेंगे आर एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन तो बिल्कुल जब उनका चेंजेस होता है जब उनका कोई फेस्टिवल रहता है सेलिब्रेशन रहता है तो वो थोड़े और अलग कपड़े पहनेंगे अलग ज्वेलरी पहनेंगे थोड़ा अलग तरीके से रहेंगे ठीक है शादी रहेगी तो अलग कपड़े अलग अच्छे से पहनेंगे रोज़ के कपड़े अलग होते हैं रोज़ के बाकी फेस्टिवल के और फंक्शन के अलावा दे इज़ डाइवर्सिटी इन क्लोदिंग इन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में क्या है कि क्लोथिंग uh, के मामले में पूरा बहुत ही डाइवर्सिटी है ठीक है डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं ड्यू टू कल्चर एंड ज्योग्राफिकल डिफ्रेंसेज जियोग्राफिकल डिफरेंसेस और कल्चर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब कि अभी गर्मी है यहाँ पे ठीक है जैसे महाराष्ट्र में आप जाओगे जहाँ पे विदर्भ साइड और उधर साइड मतलब कि गांव साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पे क्या बहुत गर्मी रहती है बारिश कम होती है तो फिर वहाँ पे क्या लोग कॉटन के कपड़े पहने का पहनते हैं ज़्यादातर और इस तरीके से शॉर्ट कपड़े मतलब इस तरीके के की भी कपड़े पहनते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा गर्मी ना हो इस तरीके से वो ज़्यादातर वो इस तरीके से कपड़े पहनते हैं और जब उनका कल्चरल जिस तरीके से उनका कल्चर क्या है हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग इस तरीके से कपड़े पहनते हैं तो ये इनका कल्चर है ठीक है इस तरीके से कपड़े पहनते हैं जहाँ पे आपको ये सब दिख रही है सब उनके कल्चरल ड्रेस हैं ठीक है ये सब कल्चरल ड्रेस है जितने भी आपको दिख रहे हैं इसके लिए वो लो, लोग यही पहनते हैं अब जैसे राजस्थान में देखिए आप ये तो महाराष्ट्र में हो गए राजस्थान में देखिए इस तरीके से कपड़े पहनते हैं ठीक है तो ये, ये अलग अलग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने कपड़े भी वो लोग चूज़ करते हैं जैसे भी आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे लोग कैसे मोटे मोटे कपड़े पूरा पहनते हैं सर पे भी इधर भी तो क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है ना गैदर ओल्ड एज वेल एज रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड आपको क्या करना है आपको गैदर करना है कलेक्ट करना है गैदर मीन कलेक्ट करना है आपके पुराने फोटोज़ as वेल ओल्ड एज वेल एज रिसेंट फोटोज पुराने भी हैं और आज के भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के दादा दादी की, आपके parents के आपके पेरेंट्स के आपके रिलेटिव्स के कपड़े उनके फोटोग्राफ कलेक्ट करने हैं आज them एम वेन द फोटोग्राफ्स वेयर टेकन एंड राइट द डेट बिहाइंड ईच तो क्या करना है आपको उनसे पूछिए कि फ़ोटोग्राफ्स कब के हैं ठीक है कब लिया गया है और उसके पीछे डेट बिहाइंड मतलब फ़ोटो के पीछे हर फोटो के पीछे डेट लिख दीजिए अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द ईयर इन विच दे वर टेकन और उसे क्या करिए कि उसे आ, मतलब कि ईयर के अकॉर्डिंग ही जैसे अगर पुराना टाइम है बहुत पुराने सपोज़ कि नाइनटीन फोर्टी का है या फिर तो इस तरीके से 1947 का पहले रखना है उसके बाद हम रखेंगे 2000 का फिर 2005 का फिर 2006 का फिर 2007 का फिर लास्ट में 2020 का क्यों इस तरीके से आपको अरेंज करना कि आपको देखना है मैच करना कि पुराने टाइम में धीरे धीरे कैसे चेंजेस आया है लोगों के कपड़े में पहनावे में ओके विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स ऑब्जर्व हाउ द स्टाइल ऑफ़ क्लोथिंग हैज़ चेंज्ड तो इससे आपको पता चलेगा इन पिक्चर्स देखने से आपको पता चलेगा कि लोगों के कपड़े पहनने का जो स्टाइल उसमें कितना चेंजेस आया तो बहुत चेंजेस आया है फ़ाइंड आउट द रीज़ंस बिहड दिज चेंजेस तो इसके पीछे रीज़न क्या है उसे आपको फाइंड आउट करना है धीरे धीरे बदलते समय के साथ लोगों ने चेंज किया ठीक है अपने आप को भी अपने कपड़े को भी अपने पहनावे को भी काफ़ी चेंजेज आया क्लोथ इज़ मेड फ्रॉम यान हमने पढ़ लिया इसे कि आ, यान से बनता है यान में बी मेड फ्राम कॉटन वुल और यान के धागा कैसे बनता है तो कॉटन से वुल से क्लोथ्स बिकम डर्टी ऑन बीग यूज जब हम यूज़ करते हैं कपड़े तो गंदे हो जाते हैं पहनते हैं तो गंदे होते हैं वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए सोप्स और नेचुरल सब्सटेंस लाइक रीठा कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स रीठा और जो हमने पढ़ा कि जो वॉशिंग सोडा होता है जो हिंगन हिंगन वेट होता है लाइम स्टोन होता है ये सब क्या है ये सब नेचुरल सब्सटेंस है तो इसी आपको यूज़ करना चाहिए कपड़े धोने के लिए ओल्ड क्लोथ्स शूड नॉट बी थ्रोन अवे कपड़े आपको फेंक रहे नहीं है कभी भी पुराने दे कैन बी री यूज वो फिर से री यूज हो सकते हैं वी सी डाइवर्सिटी इन क्लोदिंग बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डिफ्रेंसेज ये आपने जस्ट पढ़ा है ठीक है कि डाइवर्सिटी होती है अलग अलग कपड़े पहनावे में क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से उनके कल्चरल की वजह से कल्चर की वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ क्लोदिंग वोन इन अर्लियर टाइम एंड दो वोन टूडे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्लोदिंग है पुराने टाइम का अलग पहनावा था आज के टाइम का काफ़ी अलग है ओके सो so यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये आपको कर लेना है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेवेंथ चैप्टर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं